भूमि के प्रायोजक हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार। जहां है हरियाली वहां है खुशहाली। भूमि 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 गोभी है आहा, टमाटर है, सब्जी है, भाजी है, धनिया है, टमाटर लोगे आप सब भूमिका लोगा का हमार उर्फ ललनवा यानी के अमित का सप्रेम भरा नमस्कार। जय राम जी की। जैसा कि आप लोगन ने हमका देखा है कि हम बड़ी तीखी और गजब कटीली नचनिया है, इसलिए हमका हम आपको बताई दे कि हमका 2004 मा गजब तीखी नचनिया का अवार्ड भी मिल चुका था। सब कुछ देखा मगर यह ना देखा कि हम का बेच रहे हैं। तो का लानत है तो हम तो का बताई दे कि हम ये तरकारी बेचत है। जैसे ये बंद गोभी है, ई का है हमका नाम नहीं पता, ई गाजर है, फूल है, फूल जैसी सब्जी बेचत हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सब्जी तो बेचत हैं, तरकारी तो बेचत हैं, लेकिन एग्जॉटिक अपने आप को खासा मॉडर्न समझत हैं और हमका एकदम गावठी। अब ये बात और है कि वो ज्यादा कमात हैं और वो साइल में ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स नहीं डालत हैं, फ्रेश सब्जी उगाते हैं, बहुत ज्यादा आमदनी होता है, तो ठीक है ना। हम कौनों जलत हैं, जलत थोड़ी ना है हम। ये है हमारी जानी पहचानी फूल गोभी, लेकिन मिलना हो तो इनसे मिलिए। हरी फूल गोभी यूरोप से आई है, नाम है ब्रोकोली। हरी शिमला मिर्च आजकल लाल पीली हो रही है। इन गाजरों की लंबाई को भला क्या हो रहा है, क्या चक्कर है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में सब्जियों पर भी ग्लोबल रंग चढ़ रहा है। विदेशी है तो जरूर इन्हें इम्पोर्ट किया गया होगा। जी नहीं, इंपोर्ट किया है सिर्फ बीजों को। इन्हें उगाया गया है हमारी अपनी मिट्टी और अपने वातावरण में। महाराष्ट्र के सातारा, सांगली, सोलापुर जिलों में 14 साल पहले इसकी शुरुआत की थी मकरंद और अंजलि चुरी ने एक प्रयोग के तौर पर। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में उगाने के बावजूद सब्जियां एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनी रहे। जो फॉरेन के शेफ जो माल लेते हैं अपने से, एक्जोटिक वेजिटेबल लेते, अगर वो हमें हमारे प्रोडक्ट से खुश है तो हमको मेंटेन करना चाहिए। इसका कलर और ये जो हर एक चीज की आपको मालूम है इंटरनेशनल नॉर्म्स रहती है कि कलर कैसा होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, इसके हिसाब से हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ताज्जुब की बात ये है कि जहां विदेशों में ये एग्जॉटिक सब्जियां मौसमी होती हैं, वहीं भारत में इन्हें 12 महीने उगाया जा सकता है। इन्हें सिर्फ चाहिए कि इनका ख्याल रखा जाए। एग्जॉटिक सब्जियां ठंडे तापमान में ही उगाई जाती है। हालांकि भारत का मौसम एग्जॉटिक सब्जियों की खेती के लिए योग्य है, लेकिन 12 महीने ठंडे तापमान को मेंटेन करना मुश्किल है। इसलिए खेतों में ऐसे स्प्रिंकलर्स की सहायता से पानी छिड़क कर यहाँ का तापमान ठंडा रखा जाता है। एक और बात, इन्हें बढ़ने और पनपने के लिए नुकसानदायी रसायनों की भी जरूरत नहीं है। ये 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि क्या ये जो होटल इंडस्ट्री है उसमें जो मैंने पहले बताया कि जो शेफ्स रहते हैं वो परदेश आए हुए, जो मेन शेफ रहते हैं परदेश है, वो इंसिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक होना चाहिए। हम लोग काउडंग यूज करते हैं, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, नीम पेस्ट यूज करते हैं और कई अभी आयुर्वेदिक स्प्रे वगैरह निकले हुए वो स्प्रे करते। क्या किसानों को ये डर होना चाहिए कि इन एग्जॉटिक सब्जियों की लोकप्रियता से पारंपरिक सब्जियां कम बिकने लगेंगी? जी नहीं, ये सब्जियां किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का अवसर लेकर आई है। ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि हम पूरा साल भर में कहते हैं और इसका रेट हमें फिक्स मिलता है, पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मार्केट भी कोई प्रॉब्लम नहीं मार्केट। इन एग्जॉटिक सब्जियों का बाजार आगे बढ़ सकता है और दूसरी सब्जियों की तरह ये एग्जॉटिक सब्जियां भी घरों की रसोइयों में इस्तेमाल हो सकती हैं।
जो अदर सब्जियां जो ट्रेडिशनल सब्जियां वो सब्जियां सेल करने में उसका कोई रेट फिक्स नहीं है, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है रेट्स में, मगर ये जो सब्जियां है इसका रेट फिक्स है, मतलब जो रेट कमिटमेंट है और अच्छा रेट मिलता है, इससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा साल में इतना इन्वेस्ट करने से अपने लिए कितना प्रॉफिट होगा। इन सब्जियों ने गांव की सीधी सादी जिंदगी जीने वाले किसानों की व्यापारिक रिश्ते चकाचौंध भरे पांच सितारा होटलों और बड़े बड़े रेस्टोरों से बना दिए हैं। किसान अब कच्चे मकानों से निकलकर पक्के मकानों में पहुंच गए हैं। उनकी आमदनी बढ़ गई है और चेहरे की मुस्कान चौड़ी हो गई है। आज कई किसान दिन भर की मेहनत और थकान के बाद सुकून और खुशी से शाम को घर लौटते देखे जा सकते हैं। हम तो का बताई दे कि मुंबई का जॉन अंकल कहे थे कि अरे ओ ललनबा तोरे खोपड़ी में तो घास फूस भरे है, गोबर भरे है, तने तो ना लिखना आवत है ना पढ़ना आवत है, तू एकदम गाठी है गवार है। हम एक बार मान लिए जॉन अंकल की बात कि हमारे खोपड़िया में भूसा भरा है, हमारी खोपड़िया में गोबर भरा है। अब क्या करें, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं ना भैया, क्या कर सकते हैं। लेकिन हम जॉन अंकल का बता ही दिए एक बात कि जॉन अंकल आप सहरिया लोग अपने आप को बहुत पहचाए हुए समझते हो, आप लोग चांद पे जाए हो हम का ही बता थो, लेकिन हम आपको बता ही दे कि आपका जो स्वदेश का शाहरुख खान है उस शाहरुख खान गांव का लोगन का मिलकर बिजली उत्पादन किया हो, इतने सारे लोगन को मिलाई हो, मेहनत बेस्ट है, क्योंकि हमार गावन का जो एक आदमी आए उसने तो एक चक्कर घुमाई दिया बे ते बिजली बनाई दिया बे। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल की एक नई खोज, इलेक्ट्रिक कैमल कार्ट यानी बिजली का ऊंट गाड़ा। इसमें लगे डायनामो की मदद से जैसे ही गाड़े का पहिया घूमेगा बिजली प्राप्त होगी। इस बिजली से हेडलाइट, बैकलाइट और टेप रिकॉर्डर भी चलाया जा सकता है। अच्छा नींद को नहीं आवे, गाना अबोगरे टाइम पास हो जावे, लाइट का तो यही फायदा, सब रोड दिखे, रास्ता है का कोई खड्डा अड्डा साफ दिखे। और पीछे का कोई पीछू आ रहा तो उसको बिन पता पड़ जा भाई के आगे गाड़ा चल रहा है, लाइट है। 15-20 घंटे भाई इनका साधना हो जावे। इस बिजली को संग्रहित करके 7 से 8 घंटे तक गाड़ा रुकने पर भी बिजली से रोशनी प्राप्त की जा सकती है। आज 25 करोड़ की आबादी में 25,000 किलोग्राम प्रतिदिन की खपत रखने वाले देश के लिए ही 2500 पेड़ों की रोज बलि दी जाती है।